काश मेरी लाइफस्टाइल भी ऐसी होती, काश मैं भी इतनी अच्छे से रहती, काश इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल मुझे भी मिलता, काश कोई प्रॉब्लम मुझे भी नहीं होता। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो। हे गाइस, वेलकम बैक टू यूसेस डायरीज। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने अपने घर पर होंगे। जी हाँ, तो आप थंबनेल से पता कर चुके होंगे कि मैं आज कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, बस चिटचैट करने आई हूँ आपके साथ। और किस टॉपिक पे करने आई हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा। काश मेरी लाइफस्टाइल भी ऐसी होती, काश मैं भी इतनी अच्छे से रहती, काश इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल मुझे भी मिलता, काश कोई प्रॉब्लम मुझे भी नहीं होता, काश इतनी अच्छी ज़िंदगी मेरी भी होती। ये सोच रहे हैं ना, सबको यही सोचते हैं। लेकिन 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 YouTube के पीछे, YouTube के वीडियो के पीछे जो सीन है, YouTube के वीडियो में हम जो दिखाते हैं, उसके बाद के जो सीन है उसे कोई नहीं पता होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग कि मैं यही सोचती हूँ, पहले सोचती थी ऐसा कि जब ब्लॉग, कोई भी ब्लॉग देखती थी, इनका ब्लॉग नहीं, कोई भी ब्लॉग देखती थी, तब मुझे ऐसा लगता था कि यार ये यूट्यूबर की लाइफ तो कितनी अच्छी है यार, इनके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनके ना फैमिली प्रॉब्लम है, ना पैसों की प्रॉब्लम है, ना कोई भी दिक्कत है, मैं यही सोचती रहती थी। लेकिन धीरे 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 जब तक यूट्यूब के बारे में जब पता चला एंड जब सब कुछ पता चला एंड मैं खुद यूट्यूब में आई, उसके बाद पता चला कि लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है बॉस, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होता है। तो बस यही कहना चाहूँगी, लेकिन कोई यूट्यूबर अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम क्यों आपके साथ शेयर नहीं करता है? क्योंकि आप यहाँ आते हो वीडियो देखने के लिए, 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो देखने के लिए और अपनी माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, ना कि अपने घर की प्रॉब्लम के साथ किसी और के घर की प्रॉब्लम देखने के लिए, राइट? आप अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए आते हो। कोई अपने आप को कैसे मैनेज कर रहा है, अपने घर को कैसे मैनेज कर रहा है, या अपनी लाइफ में कितना एनर्जी खुशी ला सकता है, ये देखते हो और इससे आप इंस्पायर होते हो, आप भी खुशी रहते हो, आप भी अच्छे से रहते हो। लेकिन किसी के लाइफ के प्रॉब्लम देख के उससे रिलेट करके अपनी लाइफ में और स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में तो आप नहीं जाना चाहोगे ना। तो बस इसीलिए कोई भी यूट्यूबर अपनी लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर नहीं करते, प्रॉब्लम शेयर करते हैं लेकिन इतना बड़ा फेज आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, बस अपनी लाइफ की खुशी शेयर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सबके साथ होती है। देखिए, घर है, संसार है, हम इस दुनिया में है तो प्रॉब्लम तो होगी, जब तक हम जिंदा है प्रॉब्लम्स होती रहती है। और प्रॉब्लम हर एक यूट्यूबर के साथ भी होती है, घर की प्रॉब्लम। भाई घर है, मेरा मानना है एक घर है तो दो बर्तन रखे होंगे तो खड़कते ही हैं, तो घर है तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। लेकिन अपने घर के प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करके आपको और डिप्रेशन में नहीं ले जाना चाहते हैं, इसीलिए यूट्यूबर क्या करते हैं, अपनी हैप्पी मोमेंट्स को आपके साथ शेयर करते हैं। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया है वो शेयर करते हैं, जो कि अर्चना मैम हमेशा करती है। एंड पर्सनली मैं बता रही हूँ, आई लाइक हर ब्लॉग्स सिंस 1.5 ईयर हो गया मैं उनके ब्लॉग्स को फॉलो करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है द वे सी इज़ हैंडलिंग ऑल दिस, मतलब इतनी अच्छी तरह से सब कुछ वो संभालती है। एंड स्पेशली वो उड़िया है, एंड उड़िया का थोड़ा बहुत रिचुअल्स बाहर है, इंडिया से बाहर है, लेकिन हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर को बचाए रखी है, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं, अपने बच्चों को सिखाती हैं। यही तो है, हम जहाँ कहीं भी रहे हम अपनी मिट्टी को नहीं भूलना चाहिए, अपनी कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। कैसे क्या मैनेज करती है, अपने घर को कैसे मैनेज करती है, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करती है, अपने दो दो बच्चे को अकेले कैसे संभालती है। बस यार मुझसे तो एक बच्चा ठीक से नहीं संभालता, दो दो बच्चे को इतनी अच्छी तरह से मैनेज करती है, वही तो लाइफ है। दैट्स व्हाई हर चैनल नेम इज लाइफ इज ब्यूटीफुल। एनी हाउ लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ कैसे हम ब्यूटीफुल कर सकते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमारी लाइफ को हम अपने हिसाब से ब्यूटीफुल कर सकते हैं, प्रॉब्लम को भी हम खुशी में बदल सकते हैं, इनकी चैनल की मीनिंग है। एंड पर्सनली बता रही हूँ, आई लव सर ब्लॉग, बहुत ही अच्छे लगते हैं।
अनुजा मैम पर्सनली बहुत ही अच्छी हैं। देखिए इतनी सक्सेस पाने के बाद लोगों के मन में ईगो एटीट्यूड आ जाती है। बहुत सारे मैं यूट्यूबर को फॉलो करती थी पहले जिनका अभी इतना ईगो, इतना उड़ीसा के यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन उड़ीसा के कई सारे यूट्यूबर हैं, बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगो हो गया है उनमें। मतलब सक्सेस आ जाती है ना लोगों के लाइफ में तो ईगो एटीट्यूड आ ही जाती है। लेकिन अर्चना मैम एक ऐसी लेडी है, शायद मुझसे छोटी होंगी पता नहीं, लेकिन एक ऐसी लेडी है कि उनको उनके मन में भी इतना सा भी ईगो या एटीट्यूड नहीं है। 2 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं, सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पे, इतनी बड़ी फैमिली है, उनकी हर एक वीडियोस में व्यूज जाता है, लैक्स में व्यूज जाता है, लेकिन फिर भी इतनी सी भी उनके अंदर एटीट्यूड ईगो नहीं है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो जो सिंपलिसिटी है ना लाइफ में वो मुझे बहुत पसंद आता है। सो बस यही बताना चाहती थी, पैसों से हर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हम उसे कैसे हैंडल करें वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। और हर एक यूट्यूबर, 99% यूट्यूबर यही करती है, अपने अच्छे फेस को आपको दिखाती है, अपनी हैप्पी लाइफ को आपके साथ शेयर करती है और सैड पार्ट को शेयर करती है लेकिन बाद में करती है, उनका एक्सपीरियंस शेयर करती है, ना कि रोने धोने बैठ जाती है। लेकिन है कई सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम में यार मुझे ऐसे कमेंट आ गए, यार मुझे ऐसे कमेंट आ गए करके रोने लगती हैं, लेकिन अर्चना मैम ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। एंड कई सारे यूट्यूबर भी ऐसे बिल्कुल नहीं है जो अपनी पॉजिटिविटी साइड आपसे दिखाती है, आपके साथ शेयर करती है और आप उनसे बहुत इंस्पायर भी होती है। जैसे कि मैं, जब मुझे थकावट लगता है काम करने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए ना, बस मैं अर्चना मैम के ब्लॉग देख लेती हूँ, मुझ में इतना एनर्जी आ जाती है ना। मतलब एक अकेली लेडी बाहर रह के अपने हस्बैंड को, अपने दो दो बच्चे को, जैसे कि उनके हस्बैंड भी ज़्यादा कुछ हेल्प आउट नहीं करते हैं, वो खुद अकेले सब कुछ करती हैं, इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर सकती हैं, तो हम जो कि अपनी लाइफ में क्यों मैनेज नहीं कर सकते। तो बस यही है, उनसे यही सीखा है 1.5 ईयर में कि जो भी है लाइफ में एंजॉय करो, हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, लग्जरी नहीं चाहिए यार, लग्जरी में क्या रखा है, बस फैमिली चाहिए, फैमिली के साथ एंजॉय करो, बस यही सिखा है। सो होप यू ऑल लाइक माई वीडियोस, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आपको आगे आगे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मैं लेके आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यार सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स लाने वाली हूँ मैं। ऐसे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाती थी पहले, किसी के ऊपर मैं नहीं बनाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी सोचा कि थोड़ा सा बना लेना चाहिए, बस इसीलिए बनाया। सो डू लाइक माई चैनल्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, मिलते हैं एक नए से प्रेसिव ब्लॉग में या वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, योर्स टू यू गाइस।